सीधी से मझौली आते समय मां मोटरसाइकिल से गिरी। उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। माँ बेटे सीधी से अपने घर मझौली के लिए चले थे। रास्ते में माँ ने गले में जो स्टॉल डाल रखा था, जिसे दुपट्टा भी बोला जाता है, वह स्टॉल माँ का मोटरसाइकिल में पीछे बैठने की वजह से, ध्यान हटने की वजह से पिछले पहिए में फंस गया, जिसकी वजह से माँ गिर गई। इस बात की जानकारी बेटे को थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हुई। तत्काल ही उसने मोटरसाइकिल रोकी, माँ को उठाया, उपचार के लिए मझौली अस्पताल ले गया, जहाँ अपनी माँ को भर्ती करके उनका उपचार करा रहा था। लेकिन उनकी हालत को देखकर डॉक्टर ने उनको सीधी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। वहाँ भी डॉक्टरों ने संजय गांधी अस्पताल ले जाने के लिए कहा। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करके उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ममता केवट, पति लवली केवट, उम्र 40 साल, मझौली सीधी की रहने वाली थी, अपने बेटे के साथ सीधी से मझौली के लिए निकली थी। रास्ते में मझौली सीधी के बीच पड़ने वाली खाम घाटी प्रेम नगर के पास वह गले में पहने स्टाल की वजह से, जो कि मोटरसाइकिल के पिछले पहिए में जाकर फंस गया, उसकी वजह से नीचे गिर गई। मोटरसाइकिल बेटा चला रहा था, उसने मोटरसाइकिल किनारे खड़ी की, माँ को उठाया। प्राथमिक उपचार उसने मझौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया, जहाँ उसने सिस्टर से पूछा, माँ को पानी चाय दे दूँ, वो मांग रही हैं। सिस्टर ने मना किया। सिस्टर ने कहा, पानी नहीं देना है, आप चाय दे सकते हैं। माँ बेटे दोनों ने साथ में चाय पी। ये शायद दोनों की अंतिम चाय थी जो दोनों ने बैठकर साथ में पी थी। माँ ने पिता को बुलाने के लिए कहा। बेटे ने पिता को बुलवाया। थोड़ी देर में डॉक्टरों ने माँ को देखा। उनको बेहतर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुँचे। वहाँ भी डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। संजय गांधी अस्पताल में परिजन इलाज करा रहे थे, जहाँ आज सुबह माँ की मौत हो गई। ममता केवट यहाँ पर जिन्होंने अंतिम सांस ली, वजह गले में पहना हुआ दुपट्टा, जिसकी वजह से वो गले में पहना हुआ था उनने, वह दुपट्टा मोटरसाइकिल के पिछले पहिए में जाकर फंस गया था, जिसकी वजह से वो गिर गई थी। ममता केवट उसी वजह से उनके सर सहित शरीर के विभिन्न हिस्से में काफ़ी चोटें थीं। अस्पताल की पुलिस चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद शव के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही थी। उसी दौरान हमारी टीम ने मोटरसाइकिल चला रहे बेटे से बात की। कहाँ से आप लोग जा रहे थे, कैसे गिर गई? मैं सीधी से घर जा रहा था, तो प्रेम नगर में मतलब वो दुपट्टा फंस स्टॉल होता है, तो टायर में फंस गया, तो यहाँ पे मतलब क्या, तो इसीलिए तो झटक गिर गई मतलब। फिर आपने क्या किया? मैंने जब देखा तो मम्मी थी नहीं, फिर जब मैं गया तो बाइक खड़ी किया, उनको हाथों में चोट लगा था, मैंने उसको बांधा शर्ट, मतलब शर्ट फाड़ के, फिर गाड़ी बुलाया मैंने, ले गया मझौली, मझौली उनको वाटर वाटर चखाए और इंजेक्शन लगा, मलहा पट्टी किए सिस्टर ने, फिर वो बोले कि चाय पीने, मम्मी बोली कि चाय पीना है मेरे को, पानी नहीं पीना है। मैंने सोचा कि पानी पिया तो मम्मी नहीं पियेंगे, तो वहाँ कहीं चाय पिया तो मम्मी चाय पिया है, मैं भी पिया साथ में। फिर बोले को पापा को बुलाना है, तो मैंने उसको पापा को फोन लगाया, घर में कोई था ही नहीं, तो हो गया। फिर मैं अगर एक बच्चा था वो छोटा सा साथ में, और उस दिन गाड़ी मिल गई, तो मैंने लाद 2-3 किलोमीटर रेंगा भी पैदल, फिर गया तो मैं पापा को भेजा मिले रास्ते में, फिर मैं ऑटो लेके गया, तो फिर उन्होंने रेफर कर दिए सीधी, सीधी से आते सीधी वाले यहाँ भेज दिए जी। मैं हो गया। आपका नाम क्या? उमर केवट।